Hello students, so today we are going to learn standard 8th maths chapter number 13, exercise number 13.2, question number 7. A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, then how many boxes would be filled? Now, agar ek batch mein 12 bottles ja rahi hai, ek box mein, तो वैसे 25 बॉक्सेस फिल्ड हो रहे हैं, ओके, जिसमें 12 बॉटल्स ईच है, ऐसे 25 बॉक्सेस हैं, जिसमें एक एक में 12 बॉटल्स हो रही है। नाउ अगर वो 12 बॉटल की जगह हम 20 बॉटल्स फिल करते हैं तो हमें बॉक्सेस कितने चाहिए? सो ऑब्वियसली अगर 12 बॉटल्स जा रही है एक बॉक्स में तो 25 बॉक्सेस हो रहे हैं, तो बॉटल्स अगर इंक्रीज होगी तो बॉक्सेस कम हो जाएंगे, राइट? सो दिस इज इन अ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम कैसे करेंगे? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें डिटेल्स दी गई है वो उसके हम टू हेडिंग्स यहाँ पे लिख लेंगे। फर्स्ट इज नंबर ऑफ बॉटल्स, इन ईच बॉक्स एंड द सेकेंड इज नंबर ऑफ बॉक्सेस। नाउ अगर नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स कितनी है? 12। अगर 12 बॉटल्स जा रही है एक बॉक्स में तो वैसे कितने बॉक्सेस हो रहे हैं? 25 बॉक्सेस। तो अगर 12 की जगह पे हम 20 बॉटल्स फिल करें तो नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे कितने? तो इसको हम सपोज कर लेंगे x। नाउ इनवर्स प्रोपोर्शन है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसका? 12 मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई एक्स। नाउ इसको हम एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, डायरेक्टली कट कर देंगे। 20 इस तरफ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू एक्स। नाउ यहाँ पे जो कट होगा वो हम कट करेंगे। 4 थ्री ज़ा 12, देन 5 फोर ज़ा 20, 4 4 कट हो जाएगा। अभी क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास? ऊपर 3, 25, नीचे हमारे पास बचेगा 5, इज इक्वल टू एक्स। 5 एंड 25, 25 एंड 5 एक दूसरे से कट होगा, सो 5 5 इज़ 25, 5 5 कट हो जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या बचा है? 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू एक्स, सो 3 5 इज़ 15 इज इक्वल टू एक्स। सो अगर 20 बॉटल्स एक बॉक्स में फिल होगी तो कितने बॉक्सेस हमें ज़रूरत पड़ेगी? 15 बॉक्स। सो आंसर में हमारे पास आएगा 15 बॉक्सेस। क्लियर एवरीवन? सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 13.2।